ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी फर्स्ट है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस अध्याय में, अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याओं में, हम सारी परिभाषाएँ जैसे सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन पहले वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने सारी परिभाषाएं आपको अच्छे से समझाई है, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपकी कहीं ना कहीं तैयारी क्या है, कमज़ोर है, क्योंकि वो वीडियो एकदम बेसिक वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, वो सब कुछ सिखाया है, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद हमने 3 अंडर रूट 2, इसको कैसे सिद्ध करते हैं अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना सिखा है। जैसे 7 अंडर रूट 5, इसको कैसे सिद्ध करते हैं कि अपरिमेय संख्या है। जैसे 5 माइनस अंडर रूट 3, इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस अंडर रूट 2, और इसी के साथ 3 प्लस 2 अंडर रूट 5, इन सभी को कैसे सिद्ध करना है, ये सारे सारे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो आई है ना, उनमें सभी कुछ इसको भी सिद्ध करना बताया मैंने। क्वेश्चन ये है कि सिद्ध कीजिए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये मैंने पूरा अच्छे समझाया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 और 1 बटे अंडर रूट 2, इनको हम सिद्ध कर रहे हैं कि ये अपरिमेय संख्या, कैसे सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने कर लिया है अंडर रूट 2 को। आज हम करेंगे अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो इनको ये जो सारे सवाल दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये क्वेश्चन, इनको सिद्ध करने का तरीका अलग होता है और इनको सिद्ध करने का तरीका अलग होता है। तो ये सारे हम कर चुके हैं, ये भी हमने कर लिया है। आज हम अंडर रूट 3 को सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको मान लेना है, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये मान लेना है। स्टेप नंबर सेकंड में आपको करना है, देखो मान लिए कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या की परिभाषा लिखनी है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, परिमेय संख्या की परिभाषा, तो वो लिखते हैं अपन। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे पी तथा क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या होता है, क्यू का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी और क्यू क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और ये नीचे वाला क्यू होता है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि क्यू का मान 0 नहीं है। ये गणित की भाषा में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको हिंदी में लिख दिया। ठीक है, अब स्टेप नंबर फर्स्ट अपना क्लियर कर ली, स्टेप नंबर सेकंड क्लियर होगी अपनी। अब स्टेप नंबर थर्ड है अपनी। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड में आपको बताना है, लिखना है। देखो अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय संख्या है, तो मैंने परिमेय संख्या लिख दी अंडर रूट 3, इसको मैंने पी बटे क्यू के बराबर कर दिया।
क्योंकि अपनों ने माना है ना कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या, और पी बटे क्यू भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको परिमेय संख्या के बराबर कर दिया। ठीक है, देखो अंडर रूट तीन को अपनों ने माना था कि परिमेय संख्या है, तो इसको किसके बराबर कर दिया, पी बटे क्यू के। ठीक है, अब यहाँ तक करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे मानना है स्टेप नंबर चार। यहाँ पे ये स्टेप नंबर थर्ड थी, स्टेप नंबर चार में आपको लिखना है, मानना है, माना पी तथा क्यू में एक के अलावा, एक वन के अलावा अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, माना P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, P और Q ऐसी संख्याएं हैं कि उनमें कॉमन एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आया, मतलब P और Q ऐसी संख्याएं माननी है आपको कि उनके अभाज्य गुणनखंड किए ना आपने, तो उनमें एक के अलावा कोई कॉमन नहीं आना चाहिए। इसी लाइन का मतलब ये होता है, यहाँ पे इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि P तथा Q का HCF एक है, ये भी लिख सकते हो आप। P और Q का HCF क्या है, एक है। या तो ये लाइन लिख दो या ये लिख दो, दोनों में से कोई सी एक लिख दो या दोनों ही लिख दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माना P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो P और Q का HCF क्या है, एक है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही। P और Q का HCF मतलब एक, एक का मतलब क्या है, उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा, एक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड से, उभयनिष्ठ गुणनखंड से पी तथा क्यू को विभाजित करने पर, पी तथा क्यू को विभाजित करने पर, ये सारे सारे स्टेप नंबर चार में करेंगे अपन, है ना। तो आपको मान लेना है कि पी तथा क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये पी और क्यू है ना, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। या इसी लाइन का मतलब होता है पी तथा क्यू का HCF क्या है, इस पी और क्यू का HCF कितना है, एक है। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है हमारा, एक है, से पी तथा क्यू को विभाजित करने पर, मतलब उस उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है ना, उसको पी तथा क्यू में अपनों को उस एक का भाग देना है। पी तथा क्यू में किसका भाग देना है, एक का। तो देखो यहाँ भाग दे रहा हूँ मैं, समझो, ये अंडर रूट तीन बराबर पी में किसका भाग दिया, एक का, ऐसे ही क्यू में किसका भाग दिया, एक का। अब देखो यहाँ समझना, आप और मैं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं और एक मैं हूँ खुद, मैं भी ये जानता हूँ कि पी में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, पी आएगा, और क्यू में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, क्यू ही आएगा। पर आपकी जो NCERT बुक में है उसमें ऐसा मान रखा है कि पी में एक का भाग दिया तो अपने को मिला कोई अन्य संख्या आर, क्या मिली, आर, और पी में, सॉरी, क्यू में एक का भाग दिया तो क्या मिला, एस। तो आपको रख देना है, ये आपकी NCERT में ऐसा बताया गया है, तो आपको ऐसा वैसे ही रख देना है। पी में एक का भाग दिया तो क्या मिला, आर, और क्यू में एक का भाग दिया तो क्या मिला, एस। तो यहाँ पे देखो पी में एक का भाग दिया तो क्या मिला, आर, और क्यू में एक का भाग दिया तो क्या मिला, एस। तो आपको यहाँ रख देना है। तो अंडर रूट तीन बराबर पी बटे एक आर और क्यू बटे एस, मतलब क्यू बटे वन बराबर एस। ठीक है, यदि आप पी बटे एक को पी भी रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यू बटे एक को आप क्यू रख दोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर जैसा कि आपकी NCERT की जो बुक है कक्षा 10 की, उसमें जैसा बताया है उस हिसाब से करते हैं। ठीक, अब देखो अंडर रूट तीन के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक रखा मैंने, कुछ नहीं है तो किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है। अब देखो मैं इस एस को तो इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, और आर को एक से गुणा कर दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा अंडर रूट तीन एस बराबर आर। अब इसके बाद करना है आपको दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब समझो यहाँ से अंडर रूट तीन एस इसका वर्ग कर दो,
और आर का भी वर्ग कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो। अब देखो यहाँ लिखूँगा इसके बाद में, इधर है ना, देखो अंडर रूट 3 का वर्ग किया तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और एस का स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर। देखो अंडर रूट 3 के ऊपर इस स्क्वायर लगा हुआ है, घात 2 लगी है, तो ये घात 2 इस अंडर रूट को कैंसिल कर देती है। ध्यान रखो इस बात को, अंडर रूट 2 को घात कैंसिल कर देती है। इसका कारण क्या होता है, इस अंडर रूट का मान होता है 1/2, मतलब जो इसके अंदर जो संख्या लिखी हुई थी होती है ना, उसका मान कितना होता है 1/2। जैसे अंडर रूट के अंदर एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, एक्स की घात कितनी है 1/2। ठीक है, अब जैसे देखो अपना क्वेश्चन है अंडर रूट 3, तो इसका मतलब क्या है, 3 की घात कितनी है 1/2, और इसकी भी घात लगी हुई है 2, तो इसकी भी घात लगा दो 2। अब जब एक घात के ऊपर एक घात होती है तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो देखो 3 1/2 गुणा 2, अब 2 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक ऊपर वाली संख्या ऊपर नीचे वाली को नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 3 की घात 2/2, 2 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 1, तो 3 की घात 1/3। तो इस डायरेक्ट आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। ये मैंने अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये एक्सप्लेन कर दिया ना। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 3s² बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ इसको। अब देखो अपना आ गया है 3s² बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 3 और एस के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, तो मैं इस 3 को कहाँ भेज रहा हूँ, भाग में, तो s² बराबर होता है आर स्क्वायर बटे 3। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखो आगे समझना, इसके बाद आगे समझना। अब देखो अपना आ गया है s² बराबर आर स्क्वायर बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रमेय होती है, प्रमेय जो आपकी नई या पुरानी बुक में 1.2 में लिखी हो सकती है या फिर 1.3 में। ठीक है, आपको चेक कर लेना कौन सी है, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। प्रमेय होती है 1.2 या 1.3, एक प्रमेय होती है, उसका मैं बता रहा हूँ क्या होती है वो, कि पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, पी ए स्क्वायर को विभाजित विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। जैसे इसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 9 और 9 का 9 की घात 2, 9 की घात 2 का मतलब क्या होता है 81, 9 की घात 2 का मतलब क्या होता है 81, है ना। तो देखो यहाँ देखना समझना, 81 में यदि 3 का भाग जाता है, 81 में 3 का भाग जाता है, देखो स्क्वायर में 9 का स्क्वायर में 81 होता है, 81 में 3 का भाग जाता है ना, देखो देखो भाग दो इसमें, 3 दो नीचे और 2 बचेगा, 3 और 7 21, 27 बार जाएगा, तो इस 9 में भी किसका भाग जाएगा, 3 का, 3 3 9, मतलब किसी संख्या के स्क्वायर में यदि कोई संख्या का भाग जाता है, एक अभाज्य संख्या का भाग जाता है, तो उस संख्या में भी उस संख्या का भाग जाएगा। तो जैसे देखो 9 का स्क्वायर 81 लिखा, 81 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस 9 में भी 3 का भाग जाता है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, पी एक अभाज्य संख्या है यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब ए स्क्वायर में पी का भाग जाता है तो ए में भी पी का भाग जाएगा, ए स्क्वायर में पी का भाग जाता है तो ए में भी पी का भाग जाएगा। अब इस संख्या को यहाँ से रिलेट कर दो, अब देखो यहाँ ध्यान दो, आर स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो आर में भी 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ लिखना है आपको अपनों को, आर स्क्वायर है ना, ऐसे लिखो आर स्क्वायर 3 से विभाजित है तो आर भी 3 से, ये रफ है, ये समझाने के लिए था ना, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, आर स्क्वायर 3 से विभाजित है तो आर भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा।
आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब आर स्क्वायर में 3 का भाग जाता है, तो आर में, इस आर में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मान लेना है, देखो आर स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो आर में भी 3 का भाग जाएगा, तो आर बराबर मान लेना आपको 3 इंटू कोई भी संख्या, डी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, पी और क्यू नहीं मानना है क्योंकि वो पी और क्यू पहले भी आया हुआ है अपना, है ना, तो जो संख्याएं पहले आई हुई है उनको नहीं मानना, उससे अलग मान लेना। तो देखो आर स्क्वायर में 3 से विभाजित है तो आर भी 3 से विभाजित होगा, तो आर बराबर आपको 3 का गुणज मान लेना, कोई भी 3 का गुणज, जैसे 3 हो गया, 6 हो गया, कुछ भी, तो यहाँ 3 और मैंने मान लिया डी, आर बराबर क्या मान लिया, 3 डी। अब यहाँ पे आर की जगह रख देना, इस समीकरण में रख दो, इसको एक मान लो, समीकरण एक, और इसमें मान आर की जगह कितना रख दो, 3 डी। अब देखो यहाँ पे रख रहा हूँ मैं एस स्क्वायर बराबर, आर की जगह मैंने रखा 3 डी और इसका स्क्वायर बटे 3। अब देखो मैंने ये वाला चिन्ह बना रहा हूँ, ऐसे चिन्ह बराबर का और फिर एरो का चिन्ह, ठीक है, तो देखो 3 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और डी का स्क्वायर हो जाएगा डी स्क्वायर बटे 3। अब 9 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 3 3 डी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ समझो, अब एस स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 3 डी स्क्वायर, तो डी बराबर क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरा एस स्क्वायर बटे 3। ये किस किस को समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि 3 और डी के बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये संख्या को मैं इधर बराबर के इधर ले जाऊंगा तो कहाँ चली जाएगी, वो भाग में, तो डी स्क्वायर बराबर आ गया आपका एस स्क्वायर बटे 3। अब अपनों ने पढ़ा था कि प्रमेय, प्रमेय 1.2 या फिर 1.3, ठीक है, इससे क्या लिख सकते हैं कि एस स्क्वायर 3 से विभाजित विभाजित है, तो एस भी 3 से विभाजित होगा, एस भी 3 से विभाजित होगा। ये प्रमेय 1.3 या 1. जो भी आपकी पुरानी या नई बुक में है आप देख सकते हो, मैंने आपको प्रमेय बता दी थी, ठीक है, प्रमेय 1.2 या 1.3 क्या बोलती है कि एस स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो एस में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखो अपनों ने यहाँ से समझने का पॉइंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये सवाल यहाँ पे हो गया थोड़ा और बाकी है थोड़ा सा और। अब देखो यहाँ पे समझो, अपनों ने शुरुआत में माना था, ये रफ कार्य में लिख रहा हूँ, इधर रफ वर्क में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो अभी फेयर वर्क का बात है वो यहाँ लिखूंगा मैं, अभी इधर रफ कार्य कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। समझना यहाँ पे अच्छे से, देखो अपनों ने माना था कि P तथा Q में, ये रफ है ठीक है, रफ वर्क समझाने के लिए कार्य, है ना, रफ कार्य यहाँ से, है ना, अपनों ने माना था कि P तथा Q में एक के अलावा अलावा कोई उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये माना था उन्होंने, ठीक है, ये माना था। अब देखो अब मैंने आपको बताया था कि P बटे Q P बटे 1 को अपनों ने माना R, और Q बटे 1 को माना अपनों ने S, यही माना था। अब यहाँ पे समझो, इस R में भी 3 का भाग जा रहा है और इस S में भी 3 का भाग जा रहा है, R में भी 3 का भाग जा रहा है, S में भी 3 का भाग जा रहा है, ठीक है, आर में भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब क्या है, पी में भी 3 का भाग जाएगा और क्यू में भी 3 का भाग जाएगा। देखो आर में भी 3 का भाग जा रहा है, एस में भी 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पी में भी 3 का भाग जाएगा और इस क्यू में भी 3 का भाग जाएगा। यदि पी और क्यू दोनों में 3 3 का भाग जा रहा है, तो अपनों ने जो माना था कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो क्या माना था, गलत माना था, क्योंकि पी और क्यू में तो एक के अलावा 3 का भी भाग जा रहा है, तो उन दोनों का एसियम क्या आ गया, एक के अलावा 3 भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि अपनों ने जो पूर्व में माना था ना कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो क्या माना था अपनों ने, गलत माना था, क्योंकि पी और क्यू में एक के अलावा 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड भी आ गया, क्योंकि पी और क्यू में तीन तीन
तीन का भाग जा रहा, बी में भी तीन का भाग जा रहा, क्यू में भी तीन का भाग जा रहा। इस कारण हमने जो पूर्व में धारणा मानी थी कि पी और क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो असत्य माना था। इस कारण अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, ये अपनों को लिखना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद ये लाइन लिखनी है, ये फेर में लिखना है ना, यहाँ पे लिख जो लिख रहा हूँ। इसके बाद अतः ये समझाने के लिए था, ओनली रफ वर्क था, ये समझाने के लिए था, ये ओनली समझाने के लिए है ना। अतः पूर्व में जो माना गया कि पी तथा क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो हमें असत्य प्राप्त हुआ, क्योंकि पी तथा क्यू में एक के अलावा हमें तीन भी उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त होगा। इस कारण अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको पूरा लिखना। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्लियरली। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है, यदि आप ऐसे लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रूट दो, रूट तीन, रूट पाँच, एक बटे अंडर रूट दो, इनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, इनका लंबा मेथड होता है। जबकि तीन अंडर रूट दो, सात अंडर रूट पाँच, पाँच माइनस अंडर रूट तीन, छः प्लस अंडर रूट दो और तीन प्लस दो अंडर रूट पाँच, इनको सोल्व करने का तरीका अलग होता है, इनका मेथड सिंपल होता है। जबकि अंडर रूट दो, अंडर रूट तीन, इनका मेथड लंबा होता है, जो कि हम कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा क्लियरली समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।